Okay, great. Tanvi, मैंने वैभव के लिए कुछ सोच लिया है. मेरा एक फाइनेंसर है लंदन में, मेरी अभी अभी उससे बात हुई. वो एक्चुअली इंडिया में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है. तो मैंने सोचा ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं उसे इंडिया बुला लेता हूँ और हम वैभव के लिए एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं. वेरी नाइस विजय, लेकिन वैभव रेस्टोरेंट बिजनेस चला पाएगा? ऑफ कोर्स, मैं उसे सिखा दूंगा जैसे राहुल को सिखाया था. लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए. हाँ तन्वी, मुझे भी कोई शौक नहीं है उस मन्नू और अजंता को झेलने का. बड़ी मुश्किल होती होगी ना. जिनसे नफरत करते हो उनके साथ रहने में? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था. राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल जानकी माँ, राहुल कहीं घूमने निकल गया होगा. हाँ माँ, उसे वो तस्वीरें खींचने का और राइडिंग का शौक है तो कहीं चला गया होगा, लेकिन आ जाएगा थोड़ी देर में, बच्चा थोड़ी ना है. कुछ काम था आपको माँ राहुल से? नहीं, ठीक है. जब से मौली गई है राहुल भी दिखाई नहीं दे रहा. कहाँ गया होगा राहुल? सर, जब मैंने लीगल नोटिस रिसीव ही नहीं किया था तो कैसे मान लो मुझे लीगल नोटिस भेजा गया था? तो ऐसे ही टहलती हुई आ गई आप. लीगल नोटिस भी भेजा गया था और रिसीव भी हुआ है. नॉट पॉसिबल सर, मैं मुंबई में थी नहीं, फिर रिसीव कैसे करूंगी? तो फिर ये देखिए, रिसीवर का सिग्नेचर है यहाँ, देखिए. मानस का साइन. मानस ने मेरे नाम पे आया लीगल नोटिस क्यों एक्सेप्ट किया और मुझे बताया तक नहीं. रिसीवर आपके पति है ना, अब ये मत कहिएगा कि ये भी झूठ है. झूठ ही है वकील साहब. देखिए, फर्स्टली मानस को मौली के बिहाफ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए थे. और रही बात इनकी शादी की, यस शादी हुई है, पर वो पहली रात पे इसे छोड़कर चला गया था. दोनों का सेपरेशन हो चुका है, इन दोनों का कोई रिश्ता भी नहीं है. देखिए, आई एम श्योर डॉक्टर खुराना और आपको ये बात पता है, आप जो कर रहे हैं वकील साहब वो गलत है. मॉरली और एथिकली इट्स रॉन्ग. देखिए वकील साहब, आप इतने बड़े वकील हैं, केसेस की कमी तो है नहीं आपको, राइट? देखिए डॉक्टर खुराना जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईगो और ग्रीड में आके कर रहे हैं. वो मौली का करियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. वकील साहब, अगर आप इसमें उनका साथ देंगे तो आप भी गलत हैं. मेरे केबिन में आके मेरे गलत होने का इल्जाम लगा रहे हो? कोर्ट में मिलते हैं, वहीं बताऊंगा सही गलत. आप वकील हैं, जज नहीं. सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं. सी यू इन कोर्ट. मौली चलो. एंड डोंट वरी मौली, डरना नहीं. राइट हो तो फाइट तो. क्या हुआ मौली? तुम्हें मेरे और मानस के बारे में सब पता था. कुछ पूछ रही हूँ राहुल, तुम्हें पता था? पता था मौली, मैं मानस से पहले उज्जैन में मिल चुका हूँ. देखो आई नो, तुम यही सोच रही होगी कि मैंने अभी तक इसके बारे में बात क्यों नहीं की. मैंने मानस का टॉपिक उठाया था मौली, पर तुम उसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहती थी. तुम्हारा अपना हस्बैंड तो तुम्हारे साथ है नहीं, आई मीन तुम यहाँ वो वहाँ, बुलाओ कभी उसे मुंबई से. वो मानस काम के चलते सिंगापुर गए. ठीक है, आई एम श्योर मानस भी तुम्हारी उतनी ही केयर करता होगा जितनी तुम उसकी फैमिली की करती हो. वो मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं. मौली, तुम टॉपिक अवॉइड कर रही थी तो मैंने भी सोचा ज्यादा सवाल करके तुम्हें एम्बैरस नहीं करूं.
मौली तुम रोती नहीं, तुम प्रॉब्लम्स को रुला देती हो। एंड डोंट माइंड मी सेइंग मौली, बट मानस ना इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है कि वो तुम जैसी लड़की से अलग हो गया। और रही बात डॉक्टर खुराना की, आई हैव अ प्लान। वो अपना केस खुद वापस लेगा। कैसे, क्या करने वाले हो तुम? थैंक यू। मौली, डॉक्टर खुराना ने अपने पावर और कॉन्टैक्ट्स यूज करके तुम्हें फंसाया। उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना राहुल? ऑलरेडी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। यू ट्रस्ट मी? नहीं करती हो? आई ट्रस्ट यू राहुल। गुड, अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ओके? एक मिनट। हाँ रोहित। पार्टनर आप किधर हो? मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपको फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सॉरी ब्रदर, मैं एक्चुअली फ्लाइट में था। कहाँ हो आप? मैं मुंबई आया हूँ मौली के साथ, बट डोंट वरी, मैं शाम की फ्लाइट लेकर वापस आ जाऊंगा। हाँ ऑल गुड। वो लंदन वाले अभिनव अंकल कॉल कर रहे थे, उन्हें आपसे बात करनी थी। एक काम करो, अभिनव अंकल को बोलो आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं कल उनसे बात करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। ऑलराइट राहुल, तुम घर पे बता के नहीं आए हो? मौली, मैं प्लान करके नहीं आया हूँ। तुम निकली उसकी अगली फ्लाइट पकड़ के मैं आ गया, अब बताने बताने का टाइम नहीं था। हेलो अंकल, हाय। वो राहुल भैया ना मौली बाबा के साथ मुंबई गए, इज अ बिट बिजी, वो आपको कल कॉल बैक करेंगे, ठीक है? ओके बाय, सी यू। राहुल मौली के साथ मुंबई में है? रोहित। हाँ दादी। राहुल मुंबई में है? हाँ, वो मौली भाभी के साथ मुंबई गए, बट वो शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। ठीक है। मौली का तो पता था, पर राहुल भी उसके साथ गया है, ये ना उसने बताया ना मौली ने। हे राम जी, ये चल क्या रहा है उन दोनों के बीच? राहुल, एटलीस्ट ताऊजी ताईजी को तो बता कर आते। उन लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे कि तुम मेरे लिए, मेरी हेल्प करने के लिए उज्जैन से डायरेक्ट मुंबई आ गए फ्लाइट लेकर। हाँ, सो व्हाट मौली, बिग डील? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, इनफैक्ट गलत को सही करने आया हूँ, राइट? सही गलत कुछ पता नहीं चल रहा राम जी, मन में बहुत हलचल सी हो रही है। ये सुहाग का धागा है, कल मंदिर आना, अपने और मानस के जन्म जन्म के साथ की प्रार्थना करके ये धागा बांध लेना। तबीयत तो ठीक है ना जानकी माँ? क्या होगा हमें, 75 की उम्र में भी सिर के बाल से पैर के नख तक में कोई बीमारी नहीं है, ना बीपी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना शुगर, कुछ भी नहीं। जानकी माँ, वो मैं पूछना ही थी कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं मैं? जो तुम्हारी बुद्धि बोले बना लो।
इतने सालों में पहली बार जानकी माँ ने नहीं बताया कि खाने में क्या बनेगा। सब ठीक तो है ना? सब ठीक रखना राम जी, बस मौली मानस को लेकर के वापस आ जाए। तुम नेक्स्ट फ्लाइट से इंदौर लैंड करके उज्जैन चले जाओ, बस एंड ऑफ डिस्कशन। मौली, मौली, तो तुम यहां सब कुछ अकेले हैंडल कर लोगी? हाँ कर लूंगी, देख लूंगी। मौली ये चीटिंग है। देखो डॉक्टर खुराना से निपटने का प्लान मेरा था, अब तुम अकेले करके सारा क्रेडिट ले जाओगी। कम ऑन मौली, अभी तो मजा आना बाकी है। तुम और मैं दोनों साथ में मिलकर उस डॉक्टर खुराना, क्या कहते हैं मुंबई में, उस डॉक्टर खुराना की वाट लगा देंगे। और घर पे मेरी वाट लगेगी उसका क्या राहुल? सबको पता चलेगा कि तुम यहाँ मेरे साथ मेरे लिए मुंबई हो तो क्या सोचेंगे सब राहुल? पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। ऑलरेडी पापा और विजय ताऊजी में इतनी बहस होती रहती है, इन सब के बारे में पता चलेगा तो और इश्यूज हो जाएंगे और सब सब मुझे ब्लेम करेंगे राहुल। सॉरी टू से, मानस एक बहुत बड़ा इडियट है। सब उसके जैसे इडियट नहीं होते मौली। जब सबको सच पता चलेगा तब तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है मौली, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं मानोगे? नो। सिद्धि हो ना? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट ये एक ही बात है जो हम दोनों के बीच में कॉमन है। ढीठ लगते हो, जिद करते हो। वेल मॉली, सब तुम्हारी इतना जिद करते हुए खूबसूरत तो नहीं लग सकते ना। चलो इट्स शो टाइम, माइंड में प्लान रिवाइज कर लो। श्योर हूं 100%। लेट्स डू दिस। शाम की फ्लाइट से वापस भी तो जाना है। कम अक्कू दुकान पे जा रहा है तो और क्या करूं? अब सब कुछ छोड़ के घर पे तो नहीं बैठ सकता ना? वो तो है। मैं ये पूछ रहा था कि काम वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? चल रहा है, इतने साल से चला रहा हूं, आगे भी चला लूंगा। बहुत अच्छे से संभाला तूने सब। फिर भी अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी कोई जरूरत हो ना तो बोल देना बिना हिचक किए। किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपने पूछा तो उसके लिए धन्यवाद। मदद सही जगह से मिले तो ले लेनी चाहिए अक्षय चाचा। अब जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा, पर हाँ जो अगर बढ़िया करना है तो हमारे पापा माहिर हैं इसमें। मामा लोगों की दुकानदारी चार गुना बढ़वाई थी इन्होंने। जहाँ एक ग्राहक नहीं होता था वहाँ आज ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई है, और देखिए आज बैठे बैठे खा रहे हैं वो लोग। अब एक मौका देकर तो देखिए, आज एक दुकान है कल चार होंगी, इसमें हमारा कुछ नहीं आपका ही फायदा। 24 साल से फायदे में ही हूँ बेटा, और बिजनेस की बात कर रहे हो तो एक राय मेरी भी सुन लो। अनजान अजनबी लोगों पे भरोसा कर लेना चाहिए, मगर बिजनेस में जो अपनेपन का ढोंग करे उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हर समय इतने खिसियाए क्यों रहते हैं? क्या लगता है इनको इनकी दुकान हड़प लेंगे क्या हम? वैभव बेटा, जिसने इतना सब कुछ अकेले झेला हो ना, वो कभी किसी दूसरे पे भरोसा कर ही नहीं सकता, उसे बस अपने पर ही भरोसा होता। पापा कभी तो उनकी वकालत छोड़कर हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। ये चाय में से तो बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है और कलर भी चेंज हो गया इसका, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मौली के वॉइस मैसेज के हिसाब से हर इंस्ट्रक्शन फॉलो किए,
क्या हुआ, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? जी जी, जब कोई फटे दूध की चाय बनाएगा तो हंसी तो आएगी ना। दो दिन चाय बनाने के बाद मैडम को लगता है कि वो मास्टर शेफ बन गई है। इसे पता है कि दूध फटा है? जी जी, कभी मैडम किचन में गई होंगी तो उसको पता चलता ना कि दूध फटा हुआ है। अब तो मजा तब आएगा जब जानकी माँ इसकी चाय पी के इसके ऊपर कुल्ली कर देगी, देखना आप। तन्वी, मैं जाके इसे कह दूं कि दूध बदल दे। कोई जरूरत नहीं है जी जी, इसने मेरे बनाए खाने में अंडा डाला था, भुगतने दो इसको अपने कर्मों की सजा। बाय गॉड, आज तक इतनी बेसब्री से फटे दूध की चाय का इंतजार नहीं किया। शरारत करने की आदत अभी तक गई नहीं। जी जी। चाय ऐसी तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, अगर चाय खराब हो गई तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्या हुआ मनोज? ये देखो ना, ये चाय को क्या हो गया ये? अरे ये तो दूध ही फट गया। दूध फट गया? पर कैसे? I mean, मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पर बोल में रखा था तो मैंने यूज कर लिया। इट्स ओके, हम फ्रेश दूध की चाय बना लेते हैं। हाँ, पर मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से चाय बना देता हूँ। तुम ना बाहर नजर रखो, कोई आए तो बता देना। चलो आ जाओ। अरे कहाँ है अग्रवाल परिवार के सारे महानुभाव लोग? अरे बाहर निकलिए, जल्दी बाहर आइए। माफी मांगने आई है तो चली जाइए, मिलेगी नहीं। और इस बार माफ नहीं, साफ कर देंगे आपको, समझ रहे हैं? जहां से आइए ना वही लौट जाइए, निकले यहाँ से। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अरे कह रहे ना निकलिए, दफा हो जाइए यहाँ से। अरे चले जाएंगे, हम भी कोई तंबू गाड़ के रुकने के लिए नहीं आए हैं। अरे तो आई क्यों है, जाइए ना यहाँ से। रुको तुम लोग, अजय विजय पीछे हटो, हम बात कर रहे हैं ना। अजंता चाय पिलाओ इन्हें, हमारे यहाँ दुश्मन भी आता है जो चाय पीकर जाता है, और आपके साथ तो एक समय में रिश्ता जुड़ने वाला था। चाय दो। अरे रुको, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे घर की चाय की। अरे कुछ जहर वहर डाल दिया होगा तो पीकर मर जाएंगे यहीं पर। और आप जानकी जी, बहुत घमंड है ना आपको अपने परिवार के संस्कारों पर, तो आज आपका सारा घमंड टूटेगा। ओ सुप्रभा जी, अपनी ये जो नौटंकी है ना किसी चौराहे पर जाकर कीजिए, यहाँ हमारे घर में नहीं। और तू अपनी शक्ल भी मत दिखा, बिगाड़ दूंगा, चल निकल यहाँ से। रुक जाइए, हमारे हीरे को कोयला कहने से पहले अपने घर के खदान की कालिख पर भी तो जरा गौर फरमाइए। क्या मतलब है आपका? ये बात तो आपकी प्रवक्ता बहू मौली बताएगी, बड़ी सती सावित्री बन रही थी ना वो, आज का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलेंगे हम। मेरी बहू के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? कौन सी बहू? काहे की बहू, सब पता चल गया है हमको। व्यवहार वाली बात तो है, वो बहू जो आज तक आप सब लोगों के सामने एक आदर्श बहू बनने का प्रपंच कर रही थी, दरअसल वो इस घर की बहू है ही नहीं। सुप्रभा जी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जो बात कहनी है साफ और सीधी कहिए, वरना दरवाजा खुला है उल्टे पैर लौट जाइए। तो सुनिए, आपका वो बंबई वाला पोता मानस है ना, शादी की पहली ही रात को मौली को छोड़कर टहलने के लिए निकल गया था। शादी की पहली ही रात को जरूर उसे कोई बहुत बड़ी कमी पता चल गई, इसीलिए तो आनंद फानंद में मौली को छोड़कर चला गया। बस बहुत हो गया, आप मेरी बेटी जैसी बहू के बारे में फालतू की ऐसी कहानियां बनाना बंद कीजिए।
और ये घटियापन मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मां, उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन है, पर ये पति और पत्नी के बीच की बात है, उसमें इन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, उस लड़की का नाम अनबन है? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि मानस और मौली के रिश्ते के बीच में वो लड़की है। विक्की बेटा, दिखाओ अपना फोन, दिखा दिखा, ये लोग भी तसल्ली कर ले। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये अग्रवाल परिवार से ना बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं हम। तुम्हारे अपमान का है ना, सूद समेत हिसाब करेंगे, देख लेना। माँ, माँ, वो देखो। माँ, ये तो वही है ना जो सगाई में था, शायद मिनी का भाई होगा। ये तो उस नक्चड़ी प्रवक्ता बहू का पति मानस है। उज्जैन में क्या कर रहा है ये? माँ, वो भी मौली के साथ नहीं, किसी और के साथ है। महादेव महादेव, इतनी जल्दी हमारी झोली में प्रसाद डाल दिया। अरे विक्की जल्दी करो, फोटो खींच इनकी, फटाफट निकाल फोन। क्या अब समझी, ये प्रवक्ता बहू घर वाली और ये मैडम बाहर वाली। विक्की चल जल्दी चल, उनकी बातें सुनते हैं, चल 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 चल। मौली से तो शादी की रात ही मैं रिश्ता खत्म करके आ गया था, पर पता नहीं पापा क्यों मौली को अभी भी बहू बना के बैठे हुए। बट यू डोंट वरी, मैं और मॉम मिलके पापा को मना लेंगे, समझा लेंगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। कहते हैं अपनों को ठेस ना पहुंचे ये सोचकर कोई झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता, पर अगर सच कहीं और से पता चल जाए तो रिश्तों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज जो भांडा फूटा है उसकी गज मूली पे गिरी तो बहुत भारी पड़ सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।